गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस भी काफ़ी पुराना केस है, ठीक है। तो इस केस में ना एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट आती है। उसको ना सीवियर हेडेक का प्रॉब्लम था, हेडेक, वॉमिटिंग और बैकेक की तकलीफ थी उसको, ठीक है। तो पेशेंट से मैंने पूछा कि क्या तकलीफ है बताएं। तो पेशेंट ने बोला कि बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और चेस्ट पेन भी होता है और कंस्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कहा कंस्टिपेशन मतलब कैसा? बोला हार्ड स्टूल होता है, इवन इच्छा ही नहीं होती, तीन तीन चार चार दिन मुझे जाने की इच्छा नहीं होती, या कई बार ऑल्टरनेट डेज जाती हूँ मैं, ठीक है। पेट में गैस बनती है, चेस्ट पेन होता है, लेकिन स्टूल जाने का अर्ज नहीं आता। मैंने कहा और? तो उसने बताया कि ये जो उसको ना चक्कर भी आते हैं, चक्कर। मैंने पूछा कब आते हैं? तो उसने बोला स्पेशली जब मैं कार में ट्रैवल करती हूँ ना, तब उसको चक्कर आते हैं। जैसे ही 10 10 15 मिनट होते हैं, मुझे कार में चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग हो जाती है और फिर कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि जो चक्कर आते हैं सिर्फ कार में आते हैं या ट्रेन बस में भी आते हैं? तो उसने बोला कि मुझे ये सिर्फ कार में आते हैं, और चक्कर और वॉमिटिंग जब मैं आगे देखती हूँ तब आते हैं, या तो फिर मैं ऐसे ऐसे देखती हूँ तब आते हैं, ठीक है। साइड में देखने से चक्कर आते हैं, सॉरी चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग होती है, लेकिन स्पेशली ये कार में ही होता है। तो मैंने कहा और अपने बारे में बताओ। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा गुस्सा? तो पेशेंट ने बोला हाँ गुस्सा बहुत आता है। हाँ मेरा स्वभाव ऐसा है कि गुस्सा, यदि कोई कुछ ना कहे तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा, मैं शांत रहूँगी, बट किसी ने मुझसे गलत तरीके से बात करी तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और इतना तेज गुस्सा आता है कि कुछ कर डालूँ बट मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा कब आता है? तो पेशेंट ने बोला कि गुस्सा ना मुझे कोई रोके टोके तो गुस्सा आता है, मुझसे कोई गलत बात करे तो गुस्सा आता है, और फिर मैं अपने आप को गुस्से में, लेकिन मैं गुस्सा तो बहुत तेज आता है लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, ठीक है। गुस्सा गुस्से में तो लगता है कि चिल्ला दूँ, कुछ बोल दूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। और मैंने पूछा और? उसने बताया कि मुझे पसीना भी बहुत आता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो मैंने पूछा कि आपको पहले किस चीज़ का इलाज दूं मैं आपको? तो पेशेंट ने बोला कि मुझे ना जो दर्द है, एक तो वॉमिटिंग हो जाता है, उसके बाद जो कमजोरी लगती है उसकी दवाई दे दो आप, और जो मुझे गुस्सा आता है, जो मुझे कोई रोकता टोकता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, मुझे उसकी दवाई दे दो आप। और बैकएक भी है, और कमर में दो तीन बार चोट लग गई, मैं गिर गई हूँ तो उसकी वजह से कमर में दर्द भी है, तो उसके लिए भी आप मेडिसिन दे दीजिए। तो ये केस था, ठीक है। तो इस केस को समझते हैं हम, ये पेशेंट ना, इस केस को हमको समझना है। तो देखो आपकी पेशेंट का गुस्सा कितना है, मतलब कि कुछ कर डालूँ, ठीक है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट ना। तो रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड अडाप्टेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पेशेंट क्या करती है, अपने आप को रोक लेती है कि, और तो किस चीज़ को रोक लेती है, कुछ कर डालूंगी यदि नहीं रोक पाई तो, इसलिए कंट्रोल कर लेते हम अपने आप को। तो हमारे पास कुछ रूब्रिक्स हैं, हम देखते हैं, ठीक है। एक तो गुस्सा किस बात पे आ रहा है, इसको एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, हमारा एक रूब्रिक ये हुआ एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। दूसरा रूब्रिक हुआ कंट्राडिक्शन, उसने बताया ना कि मुझे कोई रोक टोके तो वो बात बर्दाश्त नहीं होती, तो रूब्रिक है हमारे पास कंट्राडिक्शन। इनटॉलरेंस ऑफ रिस्ट्रेन हिमसेल्फ हैज टू कीप फ्रॉम वायोलेंस। इस रूब्रिक का बहुत बढ़िया मीनिंग है, कंट्राडिक्शन इनटॉलरेंस ऑफ, उसको कोई रोक टोक बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है।
रीस्ट्रेन हिमसेल्फ, खुद को वो रोकती है, उसको रोकना पड़ता है, कीप फ्रॉम वायोलेंस, ठीक है, अपने आप को उस वायोलेंस से बचाने के लिए वो अपने आप को रिस्ट्रेन करती है, रोकती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं वही, जैसे उसने कहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ, कहीं कुछ कर ना दूँ, इसलिए अपने आप को रोक लेती हूँ। तो रिस्ट्रेन हिमसेल्फ कीप फ्रॉम वायोलेंस, ठीक है। तो ये रूब्रिक है। अब दो रूब्रिक हमने बताए, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम और कॉन्ट्रडिक्शन इनटॉलरेंस, रिस्ट्रेन हिमसेल्फ हैज टू कीप फ्रॉम अवे फ्रॉम वायोलेंस, ठीक है, मतलब उस वायोलेंस से अपने आप को दूर करती है। अब तीसरा रूब्रिक हमने लिया जनरल वर्टिगो का, है ना। तो वर्टाइगो में देखो आप कि राइडिंग वाइल्ड कैरेज इन एग्रेवेशन, जब वो गाड़ी में चलती है, कार में चलती है, तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। एक जनरलिटीज का रूब्रिक है राइडिंग कार और वैगन ऑन एग्रेवेशन, ठीक है, जब वो जनरलिटीज का रूब्रिक है राइडिंग कार और वैगन एग्रेवेशन, ठीक है। तो ये रूब्रिक आप ले लो, वर्टाइगो राइडिंग वाइल्ड कैरेज इन द कार एग्रेवेशन, ठीक है। अब एक्सट्रीमिटीज में परस्पिरेशन जो है उसको ले सकते हैं, हाथ और पाँव में पसीना आता है, तो एक्सट्रीमिटीज परस्पिरेशन हैंड पाम, एक्सट्रीमिटीज परस्पिरेशन फुट एंड फुट सोल, ठीक है। तो ये सारे जो रूब्रिक हैं एक ही मेडिसिन कवर करती है, सिलिका। ऑफ कोर्स सिलिका 200 के 3 डोज दिए थे 15-15 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है, क्योंकि वायोलेंस बहुत ज़्यादा था, गुस्सा बहुत था और पेन भी बहुत सीवियर था, तो डायरेक्टली मैंने 200 के 3 डोज दिए थे। उसके बाद पेशेंट 1 महीने बाद आया, तब तक उसका गुस्सा, उसका वॉमिटिंग, उसका वर्टाइगो, उसकी वीकनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी बेटर हो गया था। अब उसको डेली अर्ज हो रही थी और 3-4 महीने में ये पेशेंट रिकवर हो गया। तो दिस वॉज द सिलिका केस, ठीक है। तो सिलिका आप देखें, सिलिका भी इतनी एंग्री रिमेडी है, बट वो वायोलेंस कुछ गलत होने से अपने आप को रोकती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो रिस्ट्रेन हिमसेल्फ कीप अवे फ्रॉम वायोलेंस, ठीक है। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट रूब्रिक ऑफ सिलिका। तो दोज आई लाइक, आई थिंक यू लाइक माई वीडियोज। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू वन के सब्सक्राइबर आफ्टर समटाइम्स, तो आई एम हैप्पी। आप लोग वीडियोज़ लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। और दोज हु आर इंटरेस्टिंग टू लर्न माइंड मेथड एंड होम्योपैथी, छोटे से शॉर्ट टाइम में आपको प्रिस्क्राइब कैसे करना है मेडिसिन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9752820258। दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।